पिछले 3 महीने में रुई के भाव तेज होने से कॉटन यार्न के भाव 20% तक बढ़ चुके हैं। 3 महीने में 40 WUC सुपीरियर यार्न का भाव प्रति किलोग्राम 330 रुपए से बढ़कर 405 और 60 WC का भाव 415 से बढ़कर 500 रुपए हो चुका है। रुई के भाव बढ़ने पर यार्न के भाव में भी तेजी आती है। इस बार रुई आवक का सीजन शुरू होने के बावजूद भी भाव में गिरावट नहीं है, अच्छी मांग निकल रही है। यानी कि यार्न विक्रेताओं की माने तो यार्न की मांग अच्छी निकलने के कारण भी भाव बढ़ गए हैं। वही हौजरी में लगने वाले धागे के दामों में वृद्धि चल रही है। बीते वर्ष अक्टूबर से लेकर अब तक शंकर 6 कॉटन के भाव 80% तक बढ़ चुके हैं और इसी अवधि में 40S काउंट होजरी यार्न का भाव 58% तक बढ़ चुका है। यार्न के उत्पादन में 70% हिस्सा रुई का होता है। रुई की भाव वृद्धि के बाद भी मिलों के पास 45 दिनों से ज्यादा के ऑर्डर्स हैं। यार्न की मांग बढ़ने से स्पिनर्स भी चांदी कूट रहे हैं। अब 2-3 महीने की जरूरी रुई की खरीदी हो रही है। हैंडलूम कारोबारियों की माने तो कपड़ा अधिक तेज होने से परेशानी आ रही थी। पहले पुराने भाव के माल लोग काट रहे थे, अब पुराने भाव के माल खत्म हो चुके हैं, नए भाव के माल बाजार में है और भाव बढ़ाकर ही बेचा जा रहा है। इस समय कॉटन की अच्छी मांग है। विदेशों में कॉटन के बने उत्पाद पसंद किए जाते हैं। दरअसल पॉलिस्टर में चीन तो कॉटन में भारत आगे है। कोरोना के बाद से अमेरिका और यूरोप ने कॉटन उत्पाद की मांग और ज्यादा बढ़ा दी है। इस वजह से धागे की मांग ज्यादा बढ़ गई है और दाम भी ज्यादा बढ़ गए हैं। यही दाम अब नीचे काबू में नहीं आ रहे हैं। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।